हेलो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले या फिर फंक्शन के आगे में भी हम इस प्रकार का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस ही हम लोग देखेंगे। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर क्लास ए और क्लास बी, मैं दो बनाऊंगा और क्लास बी को मैं एक्सटेंड कराऊंगा क्लास ए के साथ में, और अगर दोनों में अगर सेम फंक्शन होता है तो ये कौन सा फंक्शन रन होगा, क्लास बी का फंक्शन रन होगा या क्लास ए का फंक्शन रन होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए क्लास ए क्रिएट कर लेते हैं, एक तो डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं और फिर एक क्लास बी भी बना लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इस क्लास का नाम जो है मैं यहाँ पे बी रख दूंगा। अब क्लास ए जो है, क्लास ए में मैं यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा। सिर्फ फंक्शन बनाने से पहले मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक, और उसके बाद में फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा से हेलो और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा। यहाँ पे इको लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, और उसके बाद अब इसको अगर हम लोग इसका चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है एक्सटेंड ई एक्स ई एन डी एस, एक्सटेंड कीवर्ड, और उसके बाद में फिर इस क्लास का नाम, ये हम लोग सीख चुके हैं। देन अब नॉर्मली हम लोग को पता है कि जब भी कोई क्लास को किसी क्लास के साथ में हम लोग एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके अंदर का जो भी पब्लिक फंक्शन रहेगा वो कॉल होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होगा तो वो कॉल होगा, मतलब वो एक्सेस होगा, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो ऑब्जेक्ट भी बना लेते, तो ऑब्जेक्ट बनाने का भी तरीका आप लोगों को आ गया होगा कि सिंपली जैसे पीएचपी में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते, वेरिएबल बनाते, उस प्रकार से एक वेरिएबल बनाना होता है। उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे न्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ बी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ बी लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, देन अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है आपका, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बी का। तो इनहेरिटेंस में हमको पता है कि हम बी का ऑब्जेक्ट ही बनाए हैं, बट इस बी ऑब्जेक्ट से हम लोग क्लास ए का फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ ओबीजे फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, फिर ये वाला साइन, और उसके बाद में फंक्शन का नाम देना होता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से हेलो और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करेंगे, इसको मैं ब्राउजर में लेके जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कि यहाँ क्या दिखा रहा है, हेलो फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो फ्रॉम क्लास ए रन हो रहा है। दैट मीन्स नॉर्मली जैसा होता था कि कोई भी क्लास को हम लोग अगर एक्सटेंड करवा देते किसी क्लास के साथ में तो उसका फंक्शन जो होगा ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, बट अगेन केस क्या होगा कि अगर सेम नाम का फंक्शन क्लास बी में भी है तो अब ये जो है क्लास बी का ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे और से हेलो को अगर हम कॉल करेंगे तो अब इस केस में ये कौन सा फंक्शन को रन करेगा, क्लास ए वाला फंक्शन को रन करेगा या क्लास बी वाला फंक्शन को रन करेगा। देखिए, क्लास बी का फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो फ्रॉम क्लास बी, और क्लास ए का में मैंने लिख दिया है हेलो फ्रॉम क्लास ए। अब इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट में देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्लास बी का फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो था ये ओवरराइड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये भी रन हो, ये जो फंक्शन है ये भी रन हो, साथ ही साथ इसके अंदर में जो भी वर्क दिया गया वो भी हो, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे पेरेंट्स लिखिएगा और फिर यहाँ पे दो साइन इस प्रकार से दीजिएगा इस टू का, इसको स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको लिखिएगा और उसके बाद में फंक्शन का जो नाम है उसको लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज अगर कर देंगे, और उसके बाद फिर अगर आप जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन रन हो रहा है। मैं यहाँ पे एक एचआर टैग दे देता हूँ एचटीएमएल का, जिससे क्या होगा होरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है, अब फिर से हम चलते हैं ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए क्लास ए वाला फंक्शन भी आ रहा है और क्लास बी वाला फंक्शन भी आ रहा है। अब सोचिए कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं इस फंक्शन में कि आप चाहते हैं कि क्लास ए का फंक्शन जो है बी में ओवरराइड हो ही ना सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, उसके सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे एक फाइनल लिख देना है, फाइनल कीवर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिख दूंगा तो देखिए सेल से हेलो जो है हमारा पेरेंट क्लास में, और से हेलो का सेम फंक्शन बनाया हुआ है कहाँ पे, आपका चाइल्ड क्लास में, तो ये ओवरराइड होने ही नहीं देगा। और यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले होगा चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।